मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वन डे के टूर में आप मुंबई में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। गाइस मैं हूं जीतू और इस समय मैं हूं मुंबई में और मैं मुंबई आया था यूट्यूब क्रिएटर कैंप अटेंड करने के लिए। तो वहां अटेंड करने के बाद हमें दूसरे दिन जो फैन फेस्ट होना था उसका भी पास मिल गया है। आज मेरे पास पूरा दिन है मुंबई को एक्सप्लोर करने के लिए है। जो इवेंट है वो शाम को 7 बजे करीब स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वन डे के टूर में आप मुंबई में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। बाकी अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं फ्लोरा फाउंटेन है और ये मुंबई का देखिए इस तरह का कुछ नज़ारा है। और सबसे पहले मैं अपने मॉर्निंग की सॉर्ट कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं गेटवे ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा मैं जू बीच। तो ये दोनों आसपास हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इसको एक्सप्लोर। बाकी देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह का पूरा नज़ारा है। सामने ये फ्लोरा फाउंटेन और देखिए ये हमारी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहा था तो जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस बिल्डिंग को जरूर जानते होंगे। और यही बिल्डिंग है जहाँ पे आपको सारे स्टॉक की रेट दिखते हैं, कितना डाउन हुआ कितना हुआ है। तो मैं सोचा अगर यहाँ पे आए तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये इसका फ्रंट गेट है देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया से जस्ट पहले देखिए यहाँ पे एक चौक आ गया है जहाँ पे इस तरह से देखिए एक शिप रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए इंडियन आर्मी का और उसके पीछे कुछ इस तरह से डमी टाइप के हेलीकॉप्टर वगैरह रखे हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ इंडिया में, जो कि मुंबई ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट प्लेस की कैटेगरी में, जो कि जस्ट मेरे पीछे ही है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल लुक है इसका। और जब भी आप यहाँ पे आए तो इस जगह को जरूर विजिट कर सकते हैं। और जस्ट साथ ही जस्ट इसके सामने आप देख सकते हैं आपको यहाँ दिख जाएगा ताज होटल, तो यहाँ का भी आप नज़ारा ले सकते हैं। और ये वही होटल है जहाँ पे आतंकवादियों ने हमला करा था और ये जस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने ही है। तो आप यहाँ पे आके दोनों जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे आके फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और इधर ताज होटल है, इधर की भी फोटो क्लिक कर सकते हैं अपने आप भी। बाकी यहाँ पे फोटो वगैरह वाले भी हैं, उनसे भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, जो आपको फोटो हार्ड कॉपी भी दे देंगे और मोबाइल के अंदर भी दे देंगे। बाकी देखिए अभी मॉर्निंग हो रही है, काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारे सेल्फीज वगैरह क्लिक करा रहे हैं। तो चलिए हम भी काफ़ी फोटो वगैरह क्लिक करा लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे ताज होटल के पास और वहाँ फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा जू बीच पे। गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट बगल में ही आपको पता है कि समुद्र है और यहाँ पे नाव का सर्विस है और जहाँ पे आप एल्पेटा फेस भी जा सकते हैं। और मैं अभी आपको वीडियो में आकर बताऊँगा कि कितना चार्ज लगने वाला है अगर आप जाते हैं वहाँ पे आके, जाके आप काफ़ी सारी गुफाएं वगैरह और हिस्टिकल के शौकीन है तो आप वहाँ जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है। और देखिए बाकी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लाइन लगी हुई है, वहीं जाने के लिए लाइन लगी हुई है। और इस तरह से पूरी शिप होती है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस तरह से शिप में लोग जाते हैं। देखिए ये सारी शिप हैं जिसमें आपको ले जाया जाता है। देखिए सारी शिप हैं जिसमें आपको बिठा के वहाँ ले जाया जाता है। तो कितनी सारी बोट है भाई यहाँ पे देखो यार, लाइन से बोट हैं। तो देखिए ये रहा समुंदर, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल। तो यहाँ पे आके आपको तीन जगहों का नज़ारा देख सकते हैं, सामने ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ पे आके आप बोटिंग कर सकते हैं और जा सकते हैं आगे घूमने भी। ये देखिए लोग जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए। मैंने आपको जो बताया था ना बोटिंग के थ्रू जा सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे चार्जेस वगैरह। तो यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह है अगर आप जाते हैं अडल्ट हैं तो 260 रुपये लगेगा, जो आपको लेके भी जाएगा लेके वापस भी आएगा। चिल्ड्रन की तो चिल्ड्रन का 170 रुपये लगने वाला है। और यहाँ टाइम की बात करूँ डिपार्चर की
तो 9 बजे जाते हैं और 3 बजे वापिस आते हैं, तो है 12 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक का। बाकी देखिए अभी मॉर्निंग ही हो रही है, यहाँ पे कितने सारे पब्लिक आई हुई है और इससे पता लगा सकते हैं यहाँ की पॉपुलरिटी का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और अभी थोड़ा सा आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप वगैरह नहीं निकली तो इसकी वजह से थोड़ा क्राउड है। बाकी अभी दोपहर में जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्राउड यहाँ मिलने वाला है। देखिए बाकी आप गेट ऑफ इंडिया के जस्ट बगल में भी जा सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए और यहाँ से इसका व्यूज पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। देखिए जस्ट इसके बगल में इस तरह से बैठने का ऑप्शन है जहाँ पे आप बैठ के आराम से फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। देखिए और इधर है गेट ऑफ इंडिया और जस्ट सामने है समुंदर, तो इसका मज़ा भी अलग आता है। और सामने है ताज होटल और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे भाई दूरबीन लेके कुछ देख रहे हैं और यहाँ पे आप दूरबीन ले सकते हैं और साइड में इस ताज होटल का और समुंदर का नज़ारा ले सकते हैं। अंकल जी कितने का दिखाते हैं ये दूरबीन? 20 रुपये का। कितना? अच्छा पूरा देख सकते हैं, कोई टाइम तो नहीं ना सर? अच्छा बाकी 20 रुपये लगेंगे आपके और दूरबीन से आप चारों तरफ पूरा नज़ारा ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है चारों तरफ समुद्र का, क्योंकि थोड़ा समुद्र के आसपास नज़ारा थोड़ा धुंधला होता है ना, दूरबीन से आपको क्लियर दिख जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। इस जगह पे आके मैंने गेटवे ऑफ इंडिया और जस्ट बगल में समुद्र का नज़ारा था और ताज होटल है, इस जगह पे आके आप 3 बेस्ट नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और ये जगह बेहद ही खूबसूरत है। बाकी अगर आप शाम के टाइम आएंगे तो ये जगह आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है क्योंकि लाइटिंग वगैरह हो जाती है, तो बहुत मज़ा आएगा। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्लेस की तरफ मरीन ड्राइव के पास और वहाँ पर भी देखते हैं किस तरह का नज़ारा होने वाला है। बाकी गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट बाहर ही आपको काफ़ी सारे फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फूड की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और यहाँ पे अपना फूड वगैरह खा सकते हैं। सो गाइस गेटवे ऑफ इंडिया के बाद मैं पहुंच चुका हूँ मरीन ड्राइव पे, जो कि जस्ट आप पीछे देख रहे होंगे ये पूरा समुद्र एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे इस तरह से काफी किलोमीटर तक इस तरह से बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और अपना ब्यूटीफुल सा टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और लाइन से लोग फुल एंड तक बैठे हुए हैं और ये कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में पूरे में फैला हुआ है। और अभी आज मैं नॉर्मल डे पे आया हूँ, अगर आप संडे के टाइम पे आते हैं यानी हॉलीडे के टाइम पे तो आपको यहाँ जगह पूरी भरी हुई दिखेगी, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए मिलेंगे आपको यहाँ पे और आपको जगह भी नहीं मिलेगी बैठने को। बाकी आज थोड़ा सा मौसम हल्का वेदर बारिश टाइप का है, इस वजह से आपको यहाँ थोड़ा धुंध धुंध दिख रहा होगा पीछे वीडियो में। बाकी नॉर्मल अगर दिन पाएंगे धूप निकले भी तो काफ़ी खूबसूरत एरिया है, चारों तरफ समुंदर है। ये देखिए पूरा इस तरह से कुछ एरिया है और ये लहरों की आवाज़ आती है, बहुत मज़ा आता है इस तरह से। देखिए यहाँ आप बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कपल्स वगैरह आते हैं, सिंगल आते हैं, फ्रेंड्स साथ आते हैं। बाकी काफ़ी खूबसूरत एरिया है तो यहाँ पर अपना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। मरीन ड्राइव में थोड़ी रुकने के बाद अब हम जा रहे हैं जू बीच की तरफ, उसके लिए हमें पकड़नी पड़ेगी यहाँ से लोकल ट्रेन, तो भी हम अगर स्टेशन पे चले चलते हैं। और देखिए ये कुछ यहाँ का स्टेशन है और यहीं से हमको लोकल ट्रेन मिलने वाली है, इस सामने हमारी लोकल ट्रेन है जिससे हमारा अभी आगे का जर्नी होने वाला है। और भाई अगर मुंबई आओ ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको लोकल ट्रेन में जर्नी करने का ना हो, क्योंकि ये बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत बढ़िया रहती है। तो चलिए चलते हैं और सामने है ये लोकल ट्रेन हमारी और से बैठते हैं अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जू बीच और अभी आप ये पीछे नज़ारा देख रहे हैं ये पूरे जू बीच का है और जस्ट मेरे जस्ट पीछे देख रहे हैं ये है समुंदर और जो नज़ारा है भाई ऑसम नज़ारा है। बाकी मैंने जूते उतार दिए हैं और सामने है समुंदर
और यहाँ पे आने बाद जो हवाएं चल रही है ना भाई, एक नंबर की हवा चल रही है। और जो बीच है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा फेमस है और मुंबई की टूरिस्ट प्लेसों में काउंट होता है। और अभी देखिए कितने सारे यहाँ पे टूरिस्ट पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं देखिए, और काफ़ी सारी फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम समुंदर देख रहा हूँ, तो आई एम सो सो मच एक्साइटेड। देखिए और लहरें देखिए भाई, कितनी मस्त लग रही देखने में लहरें। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है समुद्र की लहरें और वो शाम में आवाज़ पड़ती है, वेव्स है हवा की, वो भाई एक नंबर के। बाकी आपको वीडियो में मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आई होगी कि तो कितना खूबसूरत है भाई, बाकी काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, एक नंबर का भाई। और मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आया हूँ समुंदर के एरिया में, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है इस जगह को देख के, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम समुंदर देख रहा हूँ भाई। बीच पे आएगा तो इस तरह का ट्राइपॉड जरूर लाएं, क्योंकि आपकी फोटो और वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इस जगह पर आप आएंगे ना तो फोटो वीडियो जरूर बनाएंगे आप। बाकी जू बीच के जस्ट आप बगल में ही आपको इस तरह से फूड कोर्ट एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर स्टेट का फूड का जायका आप ले सकते हैं। तो अगर आप जू बीच वगैरह घूमने आते हैं तो फूड की कमी कोई होने वाली नहीं है, हर स्टेट के आपको यहाँ फूड का जायका आप ले पाएंगे। तो देखिए पूरा फूड कोर्ट एरिया भाई, यहाँ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज सब आपको फूड मिलने वाले हैं। सो गाइज फाइनली मैंने आपको वन डे के टूर में मुंबई की जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो दिखा दी हैं, और अब बारी आ गई है इस वीडियो को एंड करने की। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।